देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने वाले कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष शेख हुसैन को पुलिस थाने से जमानत देने से भारतीय जनता पार्टी में तीव्र नाराजगी है। प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से भेंट कर हुसैन को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। आइए डालते हैं एक नजर। चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हुसैन पर ताजबाग भ्रष्टाचार के संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। शिष्टमंडल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री के बारे में थप्पड़ शब्द का उपयोग किया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और हुसैन ने प्रधानमंत्री के लिए घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया तो उन्हें थाने से जमानत दे दी। उस दौरान मंच पर दो दो मंत्री उपस्थित थे, उन्होंने भी हुसैन के वक्तव्य को गलत नहीं कहा, इसलिए दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की गई। आपको बता दें कि इस दौरान बावनकुले ने कहा कि पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। शेख हुसैन, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अत्यंत निंदाजनक गंदे प्रकार से बहुत ही संतापजनक स्टेटमेंट किया है मोदी जी के बारे में। हमको ऐसा लगा कि पुलिस, गिट्टी गदार पुलिस, नागपुर शहर पुलिस सुमोटो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेगी, एफआईआर करेगी, बट किया नहीं था। हम सारे विधायक जब गिट्टी गदार गए तो वहाँ के डीसीपी ने कहा कि हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, नियम से कार्रवाई करेंगे। पीआई ने कहा, हमने वहाँ पुलिस कंप्लेंट एफआईआर की। उसके बाद जब देखा तो छोटी छोटी कलमें लगाकर उनको छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई। एक तरफ माननीय सुधाकर राव जी ने कहा, कृष्णा जी थे, हमारे दयाशंकर जी, हमारे संजय बेंडे जी, सबने कहा कि एक तरफ माननीय नारायण राणे जी, इनके ऊपर मुख्यमंत्री जी को स्टेटमेंट करने के बाद उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, उनको नॉन अवेलेबल ऑफेंस हुए, उनको कोर्ट जाना पड़ा, जमानत लेनी पड़ी, उससे 100 गुना ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग शेख हुसैन ने किया है। तो ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की, हमारा कहना है कि पुलिस ने पॉलिटिकल दबाव में कार्रवाई की है। हमने आज कहा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए वो 124, 153, 153B, 160, 295A, 298, 500, 505 ये गुना दाखिल होते हैं। अगर पुलिस ने हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि उन पर पुलिस ने सामान्य धाराएं लगाई है जबकि संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज होना था। सीपी ने कानूनी सलाहकारों से बातचीत कर अन्य धाराएं लगाने का आश्वासन दिया। 14 तारीख का जो कांग्रेस के एक लीडर के द्वारा जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री के बारे में किया गया था, उसकी दखल पुलिस के द्वारा ली गई थी। उसकी जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसका हमने लीगल तरीके से उसका पड़तालनी करके जो आवश्यक कलम सेक्शंस होते हैं उस सेक्शंस के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। आज उनको अरेस्ट करके जमानत अवेलेबल था, इसलिए जमानत दिया गया है। हम इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। अभी जो डिमांड आई है कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में, ऑल्दो हमने पहले ये सब सेक्शंस वेरीफाई किए थे, लेकिन फिर भी जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स का जो ये कहना है कि उन्होंने उनके तरफ से लीगल वेटिंग करवाया है, हम फिर से एक बार लीगल वेटिंग करके अगर वो सेक्शंस अप्लाई होता होगा तो ज़रूर हम उसको आगे उस प्रकार का सेक्शंस हम समावेश करेंगे। कोई भी जो भी एक्शन है वो लॉ के तहत ली जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई कोई दूसरा कोई प्रेशर इस प्रकरण में या दूसरे किसी और प्रकरण में भी नागपुर शहर पुलिस की दिशा डिसाइड करता है, ऐसा योग्य नहीं है। हम ऐसा कहना योग्य नहीं है। हम लीगल तरीके से, कायदेशीर तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से कार्रवाई करने का प्रयत्न करते हैं। विधायक कृष्णा खोपड़े ने आयुक्त से हुसैन के खिलाफ ताजबाग ट्रस्ट की तरफ से भी शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा कि बाहर गांव में कांग्रेस के होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने के लिए ताजबाग ट्रस्ट की तिजोरी से शेख हुसैन टिकट बनवाते थे।
ताजबाग जैसे पवित्र धार्मिक स्थल की दान पेटी से पैसे गायब करने की संगीन शिकायत सकरधरा थाने में दर्ज है, जिसकी जांच में दो दो पुलिस निरीक्षक ने सच पाया, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। शिष्टमंडल में जमाल सिद्दीकी, सुधाकर देशमुख, संजय भिंडे, दयाशंकर तिवारी, संजय वंगाले, राम अम्बुलकर, बाल्या बोरकर, सुनील मित्रा, चंदन गोस्वामी, गुड्डू शेख शामिल थे। NBC न्यूज के लिए सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।